देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततो गत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में, आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ी राहत उनको मिली है, जो स्टे है लगा दिया गया है। और वहीं बात करें तो कांग्रेस में एक तरफ अलग खुशी देखने को मिल रही है, और वहीं बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, और माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो काफ़ी स्वागतपूर्ण है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले सुने उनकी बातों को। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततो गत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनको फिर से पार्लियामेंट में इंप्लीमेंट, जब सजा पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर को तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको वापस लेना ही होगा। अमित शाह जी ने सर कल कहा कि कोई भी अलायंस आप लोग बना ले तीसरी बार फुल मजे, छोड़िए ना, अमित शाह जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं और उनके जुमले का कोई असर 2024 में नहीं होगा। हमने कल पार्लियामेंट में देखा सर, एक हॉट टॉप हो गया था सर। अरे चलिए ना भाई, तो आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें षड्यंत्र के तरह उन्हें फंसाया गया था, और जिस तरह से कहें तो राहुल गांधी को जो मोदी सरनेम को लेकर सजा हुई थी और जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया, यानी कि बड़ी राहत मिली है। और वहीं बात करें तो कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीत कर आ जाएंगे, कभी कितने भी आप गठबंधन बना लीजिए, तो ललन सिंह ने उस पर साफ तौर पर कहा कि वो तो जुमलाबाजी करते रहते हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से कहें तो लगातार जो एक तरफ कांग्रेस में जहां खुशी देख रही है, तो दूसरे तरफ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष में है केंद्र में, वो तमाम नेता हैं जो बीजेपी पर हमला बर हैं कि उन्हें राहुल गांधी को षड्यंत्र के तरह फंसाया गया था। और वहीं बात करें तो लोकतंत्र की जीत बताते हुए सभी खुशी दिख रहे हैं, तो जिस तरह से कहें तो कांग्रेस में भी एक तरफ खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा भी कहना है कि जो खुशी मना रहे हैं ये खुशी नहीं मनाएं। और वहीं बात करें तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जीतकर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग का कहना है, लेकिन तमाम विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर जब बरस रहे हैं। तमाम खबरों पर रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।